नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर आए दिन देश भर में बढ़ता ही जा रहा है। सबसे ज्यादा केस भारत में महाराष्ट्र में फैल रहे हैं। अब तक यहां 2 लाख से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। कोरोना के खिलाफ सरकारें तमाम कोशिशें कर रही है। सरकार की मदद के लिए कई सेलेब्स भी आगे आ रहे हैं। सेलेब्स किसी न किसी तरह से लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी बीच एक्टर सोनू सूद एक बार फिर मदद के लिए आगे आए हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद बढ़ चढ़ कर लोगों की मदद कर रहे हैं। अब सोनू ने महाराष्ट्र के पुलिस जवानों के लिए 25,000 फेस शील्ड डोनेट किए हैं। इस बात की जानकारी स्टेट होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सोशल मीडिया पर दी है। अनिल देशमुख ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर सोनू सूद के साथ अपनी एक फोटो शेयर की है। उन्होंने लिखा, मैं हमारे पुलिस कर्मियों को 25,000 फेस शील्ड देने के लिए बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद जी को धन्यवाद देता हूँ। बता दें कि सोनू सूद के इस पहल की जमकर सराहना की जा रही है। सोशल मीडिया यूजर्स उनकी तारीफ करते थक नहीं रहे हैं। मालूम हो कि सोनू ने लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। वो अभी तक हजारों मजदूरों को मुफ्त में उनके घर सुरक्षित पहुंचा चुके हैं। शुरुआत में वो बसों से मजदूरों को उनके घर तक छोड़ रहे थे, लेकिन अब वो ट्रेन और फ्लाइट्स से मजदूरों को उनके घर पहुंचा रहे हैं। सोनू ने कुछ समय पहले टोल फ्री नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया है ताकि लोग उनसे संपर्क कर सके। हाल ही में सोनू ने प्रवासी मजदूरों की मदद करने के अपने अनुभव पर किताब लिखने का फैसला किया है। सोनू सूद ने कहा कि मैं भगवान का शुक्रगुजार हूं कि उसने मुझे इन लोगों की मदद करने का जरिया बनाया। मेरा दिल यूं तो मुंबई के लिए धड़कता है, लेकिन इस मूवमेंट के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जिंदगी का कुछ हिस्सा यूपी, बिहार, झारखंड, असम, उत्तराखंड और ऐसी ही कई राज्यों में बस गया है जहां मैंने नए दोस्त बनाए हैं। मैं वादा करता हूं कि मैं तब तक काम करता रहूंगा जब तक आखिरी माइग्रेंट्स अपने घर और परिजनों के पास नहीं पहुंच जाता। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।